हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मेडिकोस मंत्रा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ थर्ड राउंड के बाद क्या रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनानी की कट ऑफ क्या रही। तो थर्ड राउंड में यूनानी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी को ओनली 125 पर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अलाट हुई है, जो कि हकीम सैयद जियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल अलाट हुआ है। तो एक ही कॉलेज एमपी में बीयूएमएस का गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी को 125 पर अलॉट हुआ है। और वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड राउंड में ओबीसी को 110 पर बीयूएमएस की सीट अलॉट हो गई थी। तो ये रही बीयूएमएस की कट ऑफ। आइए देखते हैं बीएचएमएस की कट ऑफ क्या रही। तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल की कट ऑफ जनरल कैटेगरी को थर्ड राउंड में 416 पर अलॉट हुआ था, हालांकि जनरल फीमेल को सेकंड राउंड में थोड़े से कम मार्क पर अलॉट हुआ था। 284 पर जनरल फीमेल को सेकंड राउंड में बीएचएमएस की सीट अलॉट हो गई थी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को थर्ड राउंड में 391 पर अलॉटमेंट मिला है। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल को 388 पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल की सीट अलॉट हुई है थर्ड राउंड में। आपको बता दूं ओबीसी कैटेगरी को 392 पर अलॉटमेंट मिला है और एससी कैटेगरी को 300 पर थर्ड राउंड में अलॉटमेंट मिला है। हालांकि सेकंड राउंड में एससी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी, 295 पर एससी कैटेगरी को अलॉटमेंट मिला था। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी को थर्ड राउंड में 148 पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल की सीट अलॉट हुई थी। आपको बता दूं इसके अलावा फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन लेवल पर हुई थी। तो इंस्टीट्यूशन लेवल की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। तो जनरल कैटेगरी को लगभग 273 पर अलॉटमेंट मिला था और वहीं ओबीसी को 125 के आसपास इंस्टीट्यूशन लेवल की काउंसलिंग में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल की सीट अलॉट हुई थी। अब बात कर लेते हैं बीएएमएस की कट ऑफ क्या रही। तो जनरल कैटेगरी को थर्ड राउंड में 434 पर अलॉटमेंट मिला था, ईडब्ल्यूएस को थर्ड राउंड में 422 पर अलॉटमेंट मिला था, ओबीसी कैटेगरी को 423 पर, एससी कैटेगरी को 317 पर और एसटी कैटेगरी को 173 पर बीएएमएस की सीट अलॉट हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज की। और इंस्टीट्यूशन लेवल की काउंसलिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी को लगभग 409 पर सीट अलॉट हुई थी फोर्थ राउंड, जो कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर हुआ था, उसमें बीएमएस की काफ़ी कम सीट वैकेंट थी। तो ये रही मध्य प्रदेश स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग की फाइनल कट ऑफ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।